हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे संस्कृत में। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 का जो बुक का क्वेश्चन था, यहाँ पे था आपका लास्ट, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 4। चैप्टर का आपका नाम है धातु परिचय क्रियाएं। क्रिया आप लोग जानते होंगे, हिंदी ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हम लोग किस में पढ़ेंगे? संस्कृत में। चलो हम लोग शुरू करते हैं। किसी कार्य के करने या होने को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, पीना, देना आदि, ये सब क्या है? क्रियाएं। किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। लेकिन अब देखो, संस्कृत में इन क्रियाओं को क्या कहते हैं? धातु। तथा इनके अलग अलग रूपों को धातु रूप। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, उसी तरह अगर लिख धातु हम लोग करेंगे तो लिखना। पीब धातु पीना, उसी तरह आप देखो। तथा इसके रूप हैं पठती पठता पठंती, ये आपका वचन में भी बताया गया है, ये हम लोग नीचे पढ़ेंगे। आदि। नीचे एक धातु के वर्तमान काल में रूप दिए जा रहे हैं, इसे लट लकार कहते हैं। किसी भी धातु का रूप अगर वो वर्तमान काल में दिया हो तो वो लट लकार कहलाता है। देखो आप, पढ़ पढ़ना, ये लट लकार में आपका वर्तमान काल में। एक वचन में भी है, द्विवचन बहुवचन में। पहले कौन सा पुरुष है? प्रथमा पुरुष। पठति, वह पढ़ता है। पठत, वे दो पढ़ते हैं। पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष पठसि, तुम पढ़ते हो। पठथ, तुम दो पढ़ते हो। पठत, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष पठामि, मैं पढ़ता हूँ। पठावः, हम दो पढ़ते हैं। पठामः, हम सब पढ़ते हैं। इस तरह से देखा आपने किस तरह से आपका ये रूप जो है अलग अलग आपको दिखाया गया है, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। इस चैप्टर का जो बाकी पार्ट है, बाकी जो पेज नंबर 22 और 23 है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ो, रीड करो और समझो। ओके, बाय।